फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़। चाइनीज़ में हम स्पैगेटी बना रहे हैं, तो मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दूंगी। और जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ जो है वो सही से पता चल जाए। और हम बना रहे हैं गोश्त में, आप चाहें तो चिकन में भी बना लें, कोई मसला नहीं है। ये हमने पहले ऑयल के अंदर गोश्त डाल दिया, छोटे छोटे से काटना है इसको, और हमने गोश्त डाल दिया ताकि जल्दी गल सके। और चाइनीज़ में छोटे ही डालते हैं। ये हमने ऑयल थोड़ा लिया था, इसके अंदर हमने जो है ये गोश्त डाल दिया। अब हम इसको जो है चमचा जलाते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, तो जो है लोग ज़्यादा यही खाना पसंद करते हैं सर्दियों में, चाइनीज़ वगैरह, और बच्चे भी खा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सॉसेस कम डाल लें तो इस बच्चे भी खा लेंगे। तो हमने इसके अंदर जो है वो गोश्त डाला। अब हम इसको भून रहे हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, तो मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और आगे मैं आगे और भी ज़्यादा रेसिपीज़ दूंगी आपको, और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की बनती है स्पैगेटी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप चाहें तो पहले से गोश्त को जो है वो बॉईल करके रख सकते हैं, हाफ़ डन कर लें आप पहले से, और फिर ये झटपट से बन जाएगी फ़ौरन से। और अगर आप चिकन में बनाना चाहें तो चिकन में भी बन सकती है, चिकन तो फ़ौरन फटाफट गल सक जाता है। ये देखें, हमने गोश्त के अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, 2 चम्मच अदरक लहसुन डाले हमने इसके अंदर पिसा हुआ। और अब हम इसको भून रहे हैं। दूसरी जगह हमने एक पतीली रखी थी, उसके अंदर हमने 2 चम्मच नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया ताकि हमारी स्पैगेटी जो है वो आपस में ज्वाइन नहीं होगी, वो बिल्कुल अलग अलग होगी और सही से पक जाएगी। इसमें बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे, स्पैगेटी अभी नहीं डालेंगे। जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको हम चूल्हे पर ही रखेंगे और फ्लेम जो है हम इसको थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। ये देखिए, हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और जोश आने तक हम इसमें अभी इसको पकाएंगे। अब हम दोबारा इस साइड पर आ गए हैं अपना। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला था, अब हमने इसके अंदर जो है सफ़ेद ज़ीरा डाला है, तकरीबन 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1 खाने का चम्मच। ये हमने थोड़ा सा इसको जो है चलाया है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे, आप देखते जाएं आगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो है वो शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो आप नहीं भी डालें, अगर नहीं खाते आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप शिमला मिर्च नहीं डालें। और ये हमने गाजर काट ली थी, ये हमने डाल दी, इसमें हमने गाजर डाली और थोड़ा सा हमने इसको चमचा चलाया। अब इसके अंदर हमने जो है वो बंद गोभी डाल दी। अगर आपको सिर्फ गाजर पसंद है, शिमला मिर्च पसंद है, आप वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी सब्ज़ियाँ डालें इसके अंदर, लेकिन हमें अच्छी लगती है तो हम लोग डाल रहे हैं। ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसके अंदर हमने डाल दिया नमक, हसबे जायका, आप जितना आप खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाला है ये चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें 1/2 चम्मच। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं सिरका, ये आप देखें 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमने, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून और तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया। अभी हम डाल रहे हैं सोया सॉस, फोर टेबल स्पून हमने सोया सॉस ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको चलाएंगे।
अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को कम ही रखिएगा। अब हमने इसके अंदर चिली सॉस डाला, चिली सॉस डालने के बाद हम इसमें केचप ऐड करेंगे। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा। फिर हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो देखिए आप कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। भी हमने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च डाल दी, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी, एक चम्मच, एक खाने का चम्मच काली मिर्च डाल दी। फिर हमने इसको चलाया, इसको पून को आपको चलाते रहना है ताकि जो है वो नीचे ना लगे ये। अब हमने जो पानी रखा था उसके अंदर हम जो है स्पैगेटी डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जो है वो पूरी पूरी साबुत डाल रहे हैं। आपको जैसी पसंद है आप वैसी डालें। हमने स्पैगेटी डाल के उबाल ली थी 10 मिनट तक, उसको उबाल लें और फिर हमने अब इसके अंदर ऐड कर दिए ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें कि हमारे रेडी है। और आप इसको जो है वो प्लेटर में सजा के सर्व करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।